हेलो एवरी वन वेलकम अगेन टू माई यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री एंड टूडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड क्वांटम केमिस्ट्री विच इज आई गन फंक्शन एंड आई गेन वैल्यू क्वांटम केमिस्ट्री को अच्छी तरह से समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आज मैं ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी मेथड से एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा तो सबसे पहले ये आईगेन फंक्शन और ये आईगेन वैल्यू एक्चुअली में है क्या सो बाई डेफिनेशन ए फंक्शन डेट कम्स बैक वन ऑपरेटेड बाई एन ऑपरेटर अपॉन इट इस कॉल एंड आई गेन फंक्शन मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन सपोज साय इस फंक्शन के ऊपर एक ऑपरेटर ए कैप एक ऑपरेटर है तो उस फंक्शन के ऊपर एक ऑपरेटर ऑपरेट करने के बाद अगर हमको सेम फंक्शन मिले मल्टीप्लाईड बाय ए पार्टिकुलर वैल्यू तो उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे आइगन फंक्शन और जो वैल्यू हमको मिलता है उसको हम लोग बोलेंगे आइगन वैल्यू ठीक है तो जो क्वांटम केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो इक्वेशन यूज होता है वो होता है स्क्रोडिंजर इक्वेशन तो ये सिंप्लीफाइड स्क्रोडिंजर इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन है एच केप साई इक्वल टू ई साई तो यहाँ पे साई है एक वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन जो कि इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टीज इसके अंदर छुपा हुआ है जो सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा ये एच कैप जो है ये एक ऑपरेटर है फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक प्लस माइनस अगर एक पार्टिकुलर नंबर के ऊपर एक फंक्शन के ऊपर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन अगर हम लोग करते हैं तो वो भी एक क्या होता है ऑपरेटर होता है तो सिमिलरली ये जो वेव फंक्शन है इसके ऊपर हमने ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमने अप्लाई किया है तो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एक्चुअली में क्या है ये एच कैप ऑपरेटर के ऊपर हम लोग रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग कैप यूज़ करते हैं तो ऐस एक्चुअली में क्या है ये एक टोटल एनर्जी ऑपरेटर है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एच इक्वल टू माइनस एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एट पाई स्क्वेयेर स्मॉल एम इन डेल स्क्र प्लस वी यहाँ पे जो ये जो पहला टर्म है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर और ये जो दूसरा टर्म है फी वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर और ये जो डेल है डेल का मीनिंग ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन इन एक्स डायरेक्शन प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन इन वाई डायरेक्शन प्लस पार्शियल डिफ्रेंशिएशन इन दिस जेड डायरेक्शन ओके इसलिए आई कैप जे केब और कैप के जो यूनिट फैक्टर है वो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है तो साई के ऊपर अगर आपने ये एनर्जी ऑपरेटर या फिर ये हेमिल्टनन ऑपरेटर अगर आपने अप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा वापस वही फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी वैल्यू जिसको हम लोग क्या बोलेंगे एनर्जी आई वैल्यू बोलेंगे ठीक है तो कोई भी फंक्शन जिसके ऊपर कोई भी ऑपरेटर ऑपरेट करने के बाद अगर वही हम फंक्शन हमको मिलता है मल्टीप्लाइड बाय पर्टिकुलर कांस्टेंट और ए वैल्यू तो उसी इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे आइगेन वैल्यू इक्वेशन फंक्शन को हम लोग बोलेंगे आइगेन फंक्शन और जो वैल्यू हमको मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे आइगेन वैल्यू क्वांटम केमिस्ट्री में जो भी फंक्शन होगा उसको आइगेन फंक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है तो ये है आइगेन फंक्शन और आईगेन वैल्यू का बेसिक डेफिनेशन और रिप्रजेंटेशन तो चलिए हम लोग एक न्यूमेरिकल के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं सो so यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिया है सो डैट ई टू पावर अल्फा एक्स इज़ द आइगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर कैपिटल डी टू पावर एन इसका मतलब ई टू पावर अल्फा एक्स को अगर आप एन टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जो फंक्शन निकलेगा क्या वो आइगन फंक्शन होगा उसी के बारे में हमको अब पता करना है ठीक है इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ई टू रिपार अल्फा एक्स को हम लोग वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे सो डी डी एक्स ऑफ ई टू रिपर अल्फा एक्स अब डिफ्रेंशिएशन का एक रूल है कि डी डी एक्स ऑफ ई टू रिपॉर एक्स इज इक्वल टू ई टू डिपर एक्स लेकिन यहाँ पे ई टू रिपार अल्फ़ा एक्स दिया गया है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा ये जो ई टू रिपार अल्फा एक्स जो है ये अल्फा एक्स को हमको एक्स मान के पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तो अगर मैंने ई टू रिपार अल्फा एक्स का जो ये अल्फा एक्स पोर्शन है इसको अगर एक्स मान लूँ तो हमको क्या मिलेगा डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ई टू डिपर अल्फा एक्स ही मिलेगा क्योंकि ई टू डिपर एक्स डी डी एक्स ऑफ ई टू डिपॉर एक्स इज इक्वल टू ई टू डिपॉर एक्स ठीक है दूसरा स्टेप जो है जिसको मैंने x लिया था जिसको मैंने x कंसीडर किया था अब उस पोर्सन को हमको डिफरेंशिएट करना होगा तो ई टू डिपर अल्फा एक्स मिल गया अब ये अल्फा एक्स को मैंने x पकड़ा था इसीलिए इसको भी हमको सेपरेटली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो डी डी एक्स ऑफ अल्फा एक्स सिंस अल्फा इज़ ए कॉन्स्टेंट तो ये अल्फा बाहर आ जाएगा और बाकी क्या रह जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स जिसका वैल्यू है वन तो अल्टीमेटली डी डी एक्स ऑफ ई टू डिपर अल्फा एक्स विल बी अल्फा इन टू ई टू डिपर अल्फा एक्स ठीक है सिमिलरली ये हो गया पहला डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन जब हम लोग करेंगे तब क्या होगा डी डी एक्स ऑफ ये जो होगा ये वैल्यू इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ठीक है तो अगेन डी डी एक्स ऑफ अल्फ़ा इंटू ई टू डीपर अल्फा एक्स तो अल्फ़ा तो एक कॉन्स्टेंट है तो सबसे पहले ये कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा तो अल्फ़ा इंटू डी 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 एक्स ऑफ ई टू डीपर अल्फा एक्स अब ये जो पोर्शन है ये पहले की तरह सेम होगा इसीलिए अल्फा इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा एक और अल्फा इंटू ई टू डीपर अल्फा एक्स आ जाएगा तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा मल्टीप्लाई होके अल्फा स्क्वायर बन जाएगा सो डी डी एक्स ऑफ e टू डीपार अल्फा एक्स जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन होगा वो होगा अल्फा स्क्वेयर इनटू ई टू डीपार अल्फा एक्स सिमिलरली थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में आपको मिलेगा अल्फा क्यूब इनटू डी डीपर अल्फा एक्स फोर्थ ऑर्डर में अल्फ़ा टू डीपार फोर इनटू ई टू डिपार अल्फा एक्स एन सो वन एन सो वन इसका मतलब अगर ई टू डिपार अल्फा एक्स जो फंक्शन लिया गया है इसको मैं n टाइम डिफ्रेंशिएट करो डी एन बाई डी एक्स एन इंटू अल्फा एक्स तो हमको क्या मिलेगा अल्फा टू डीपर एन इं टू ई टू डिपर अल्फाइक्स जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए ई टू डिपर एक्स इंटू अल्फ़ा मिला था सेकेंड ऑर्डर के लिए अल्फ़ा स्क्वेयर इंटू ई डिपर एक्स सिमिलरली एन टाइम्स के लिए अल्फ़ा टू डिपर एन इंटू ई ई टू डिपर एक्स अब ये जो ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन जो है इस सोल्यूशन का ठीक है इसको अब ध्यान से देखिए ई टू डिपर अल्फाइक्स को मैंने एन टाइम डिफरेंशिएट किया है और रिज़ल्ट में हमको क्या मिला है ई टू डी बार अल्फा एक्स ही मिला है मल्टीप्लाइड बाय अल्फा टू डी बार एन इसका मतलब जो फंक्शन मैंने इनिशियली लिया था जो दिया गया था उसको एन टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद हमको सेम फंक्शन ही मिला है ई टू डी पार अल्फा एक्स ही मिला है मल्टीप्लाइड बाय पार्टिकुलर वैल्यू अल्फा टू डी बार एन इसीलिए ई टू डी बार अल्फ़ा एक्स क्या होगा एक आईगेन फंक्शन होगा और ये जो अल्फ़ा टू डी बार एन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे आईगेन वैल्यू बोलेंगे ठीक है तो फिर से समाप्त करते हैं तो आईगेन फंक्शन और आईगेन वैल्यू क्या है कोई भी एक फंक्शन जिसके ऊपर एक पार्टिकुलर ऑपरेटर ऑपरेटर को हम लोग कैप के जरिए हम लोग क्या करके उसको कॉमनली रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी एक ऑपरेटर अगर किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करने के बाद अगर वापस वही फंक्शन मिलता है मल्टीप्लाई बाय पार्टिकुलर वैल्यू तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे आई फंक्शन बोलेंगे उस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे आई वैल्यू और जो इक्वेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे आई वैल्यू इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल जो मोस्ट कॉमनली हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं वो है श्रोड इक्वेशन जो है एच साई इक्वल टू ई साई वेर एच कैप इज द अमिल्टोनियन ऑपरेटर एक एनर्जी ऑपरेटर है जो ये वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करने के बाद वापस वही फंक्शन हमको मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी आईगेन वैल्यू मतलब एनर्जी मिलेगा जिसको हम लोग आईगेन वैल्यू बोलेंगे क्यों तो क्योंकि ये फंक्शन को ऑपरेट करने के बाद हमको सेम फंक्शन मिला है इसलिए